सूचना के अधिकार अधिनियम लेकर लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। वहीं राजधानी रायपुर के वृंदावन हॉल में आयोजित इस कार्यशाला में आरटीआई को लेकर बारीकी से जानकारी दी गई। वहीं बीकेन शाइन फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में बताया गया कि किस तरह से सूचना के अधिकार के तहत आवेदन लगाना है, साथ ही जानकारी प्राप्त न होने पर कैसे प्रथम एवं द्वितीय अपील लगाना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि सूचना का अधिकार एक ऐसा प्रावधान देता है कि आम नागरिकों को भी ये विधायक और सांसदों वाला अधिकार प्रदान करता है। फिर जबकि विधायक सांसद तो फिर भी एक टर्म में एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, पर आम नागरिक अपने हितों से जुड़ा या फिर व्यापक लोक हित से जुड़े किसी भी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बार प्रश्न आता है कि आखिर किस तरह से आरटीआई लगाया जाए, लोग जानना चाहते, परेशान रहते हैं, अपने मोहल्ले में नाली साफ नहीं हो रहा है, सड़क नहीं बन रही है, परेशान रहते हैं, बस कहते हैं कि भ्रष्टाचार है, कुछ होता नहीं है। तो उसके लिए आज ये कार्यशाला में ये बताया जा रहा है कि एप्लीकेशंस कैसे लगानी है, आपको कौन सी बातें आपको उसमें रख सकते हैं, प्रश्नात्मक आरटीआई नहीं लगा करके कैसे जानकारी हासिल कर सकते हैं, और किस तरह से छोटे से छोटा भ्रष्टाचार या जितना भी बड़ा देश का बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार हो उसे उजागर किया जा सकता है। तो ये नागरिकों को जो पावर दिया है आरटीआई एक्ट ने, उसको किस तरह से यूज करना है, इसके लिए जागरूकता के लिए आज ये कार्यशाला आयोजित की।